नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूँ आपके साथ महेजन। उज्जैन संभाग के आईजी संतोष कुमार सिंह आज नीमच पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में एसपी कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में डीएनसी संजय मीणा, कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी अमित तोलानी, एडीएम नेहा मीणा शामिल हुए। एसपी कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद आईजी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 4 फरवरी को जो घटना हुई थी, किस प्रकार से समाजसेवी अशोक अरोरा पर प्राणघातक हमला किया गया था, एक शूटर की मौत हो गई थी, इसको लेकर बैठक की गई। बैठक में जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है उसको लेकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो आरोपी इस घटना में और भी लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अपराध को लेकर भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में बातचीत की गई। नहीं, मैं आज नीमच आया था और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देखने के अलावा, अभी 4 तारीख को यहाँ घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक प्राणघातक हमले का अटेम्प्ट किया गया था और उसमें जो अपराधी था उसमें से एक व्यक्ति मौके पर मारा भी गया था क्रॉस फायरिंग में। तो उस घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने अभी जो है 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई की जो है उसके लिए टीमें लगी हुई हैं। मैंने अभी टेक्निकली जो पुलिस ने पूरा काम किया है और जो सारी लिखा पढ़ी की है, कैसे हमारी टीमें काम कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो शामिल अन्य लोग हैं उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा सर कोई विशेष? नॉर्मली सामान्य कार्य अन्य जो हमारे होते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जो काम है, कई तरह के जो रहते हैं, उसके अलावा अपने लोगों से जो हमारे अधीनस्थ अधिकारीगण हैं जो काम करते हैं, थाना प्रभारी हैं या कोई अन्य अधिकारी हो, उनसे जो बातचीत की है, उनकी कुछ बातें, कुछ अपनी उनकी भी बातें रहती हैं जो कहना चाहते हैं, कुछ उनकी समस्याएं रहती हैं उसको भी सुनेंगे। सर, इस घटना में आप और किस तरह के तार जुड़े हुए देख पा रहे हैं जो अभी अरेस्ट हुए हैं, बाकी और किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, आपराधिक घटना है जिसको करने का प्रयास किया गया और परिणाम आपको पता ही है। तो उसमें जैसा आपने कहा कि अभी 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तो आपको पता ही है कि इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, अगले बहुत जल्द कुछ एक दिनों में ही हम जितने भी अपराधी इन्वॉल्व हैं जैसा मैंने पहले कहा उनको हम पकड़ेंगे और फिर जो लोग भी इसमें शामिल हैं चाहे वो कोई भी हो उन पर बड़ी प्रभावी और अच्छी कार्रवाई की जाए।